बाबा ने आपको यहाँ ना कुछ सवाल के जवाब पूछने के लिए ही बुलाया है। तो सवाल ये है अंकल कि आपकी और माजी की शादी को कितने साल हुए होंगे? नहीं नहीं, वो क्या है ना, बाबा और मेरी शर्त लगी है, तो अब आपके आंसर पे डिपेंड करता है ना कि शर्त कौन जीता। अच्छा, तो बताइए ना कितने साल हुए आपकी शादी को? मर गए, कुछ तो बताया था लोखंडे जी को, वही जवाब देना पड़ेगा क्योंकि सुधाकर को तो बराबर याद होगा, है ना? हाँ, क्या बोलना होगा, कुछ तो बोलना होगा वरना पोल खुल जाएगी। रोल कैमरा, एक्शन। मेरा हेलीकॉप्टर कब तक आएगा? स्कटर सर, 9:15 तक आपका हेलीकॉप्टर आ जाएगा। सर क्या लेंगे, कैपे चूना या फिर नीला आपटे? मोना समझाओ इसको। हाँ सर, मैं समझा दियो सर। अरे कैपे चूना नहीं, कैपे चीनो, और नीला आपटे नहीं, वनीला लाते। एक और करते, एक और। एक्शन। सर 9:15 तक आपका हेलीकॉप्टर आ जाएगा। सर क्या लेंगे, कैपे चाइना या फिर बेलन की लाते? लाते तो हम मारेंगे तुमको अभी। अरे वेनिला लाते। हाँ हाँ, हो जाएगा। एक और, वन स्मोर। एक्शन। क्या लेंगे, पीके चाय लेंगे या फिर नेवले की लाते? कट। एक्शन। ओके सर, कैपे चुनो लेंगे या फिर वेनिला ताले? कट। एक्शन। सर चेपे कीनो लेंगे या फिर बेताली बातें? कट। इसको निकालो यहाँ से। यस सर, इसको यस। निकालो। हो जाएगा सर, वंस मोर। हाँ सर, इसको नहीं निकाल सकते सर, प्रोड्यूसर के 30,000 रुपए अटके हैं सर। मैं एक काम करती हूँ सर, इसका रोल बदल लेते हैं, है ना सर? एक सेकंड सर। सर ये दीपक से 10,000 वाला रोल भी नहीं हो रहा है, हम इसे अभी 5,000 वाला रोल दे रहे हैं, बाकी पैसे आप अपना बाद में हिसाब करते रहना, ठीक है? ओके सर। एज अ एक्टर अपने को क्या करना है, सीन को इतना परफेक्ट करना। ये लीजिए, अब आप बन जाइए रामू काका। ये है आपके कपड़े और देखो आपकी लाइन्स है। हाँ हाँ हाँ, लाइन सब याद है, आपने कपड़े दे दिए ना, बात खत्म। अब भी देखो। अब की ये डायलॉग भूला तो हम प्रोड्यूसर की उसूली भूल जाएंगे और इसको सूली भी चढ़ा देंगे। जी सर। लोखंडी जी, आपको मैंने बताया था मेरी शादी कब हुई थी। आपको याद है ना? हाँ हाँ, आपने बताई थी, मुझे याद भी है। बस आप जीत गए, आप जीत गए। नहीं नहीं अंकल, ऐसे कैसे? हाँ। ये तो चीटिंग है ना, जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा। बोलिए ना, कब हुई थी आपकी शादी? कल। कल 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 कल। वैसे तो हमारी शादी को वर्षों हो गए हैं, लेकिन ऐसे ही लग रहा है जैसे हमारी शादी कल ही हुई है। लोखंडे जी, आप तो जानते हैं कि शादी जन्मों जन्म का बंधन होती है। हाँ। शादी वो नाव है जिसमें बैठकर दो मुसाफिर जो है वो जिंदगी भर का सफर तय करते हैं। प्रेमचंद जी, ये सफर बाद में कर लेंगे, पहले आपकी जिंदगी का सफर कब शुरू हुआ ये बताइए ना, वो तारीख। तो काका, मैं होता ना तो कब का बता दिया होता। दिया? हाँ? अच्छा याद दिला दिया। मैंने क्या याद दिला दिया? दिया, मैं मंदिर से अखंड दिया लेकर आया हूँ जो मैंने जला कर रखा हुआ है, और बाहर कितनी तेज हवाएं चल रही है, कहीं वो पर्दा जो है दिए को लग गया और दिया बुझ गया तो कितना अशुभ हो जाएगा लोखंडे जी, और अगर पर्दे को आग लग गई तो। मैं भी आया। अंकल। प्रेमचंद जी। अरे अपने बेटे को पूछने गए होंगे, पूछने दीजिए। नहीं बेटी, हर बात पे शक नहीं किया करते, वो सचमुच मंदिर से आए हैं दिया लेकर, और दिया रखा होगा, वो बोल रहे, वो सही बोल रहे, अगर पर्दा लग गया, पर्दा जल गया, कुछ हो गया, अशुभ हो गया तो क्या करेंगे,
हर बात पर ये शक करना ना, ये गलत बात है। देखो बाहर हवा भी कितनी तेज चल रही है। बाबा अब तो तूफान आने वाला है, इनके झूठ के ना सारे दिए बुझने वाले। नहीं आए। अरे क्या कर रहे हो? अरे देखने तो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या क्या हुआ, हुआ क्या, हुआ क्या, क्या सवाल, क्या क्या उन्होंने? सवाल नहीं बवाल किया है। बवाल? बवाल? मेरी और मालपानी की ना हुई शादी की डेट मांग रहे हैं वो लोग, और मैं कोई भी डेट तो नहीं बता सकता ना, क्योंकि वो एसएस वहाँ सामने खड़ा था। एसएस? शाना सुधाकर। इसका मतलब है कि वो लोग अभी भी मिस मालपानी और आपकी शादी हुई है या नहीं यही बात पे अटके हैं। अच्छा एक मिनट एक मिनट, जब लोखंड जी ने सबसे पहले हमें ये सवाल पूछा होगा कि आपके और मिस मालपानी की शादी कब हुई, तब उन्हें क्या जवाब दिया था हमने? आपको कुछ याद है डैड? अरे याद होता तो मैं जवाब नहीं दे देता बेटा। अरे बुजुर्गों ने सही कहा है। क्या? जो सच बोलते हैं ना उन्हें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब सोचो क्या करेंगे, क्या करेंगे? डैड सोचते ना कुछ, मुझे भी पता नहीं है। भाई, भाई। हाँ क्या, क्या, इदरा, क्या? इदरा, अरे क्या कर रही है, क्या है, क्या ये, क्या है ये, क्या? भाई अंकल आप यही संदूक हम लोगों को बचाएगा। ये संदूक? हाँ। अरे ये संदूक उस बंदूक के सामने कुछ भी नहीं है। अरे अरे क्या क्या है ये, क्या क्या बता तो सही, क्या कर रही तू? बताती है, बताती है। ये भी बिल्कुल अपनी माँ पे दी है। मैं दीपक को फोन करके पूछता हूँ। रोल कैमरा एक्शन। कट 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 कट। ओ सर फोन आ रहा है वापस से, आदित्य चोपड़ा साहब का वापस से फोन आ रहा है, एक सेकेंड ना। हाँ चोपड़ा साहब बोलिए। दीपक अरे सुन मेरी बात सुन, एक बात बता, जब लोखंड जी ने हमें ये सवाल पूछा था कि डैड और मिस मालपानी की शादी कब हुई थी, हमने क्या जवाब दिया था? सॉरी चोपड़ा साहब, वो क्या ना आजकल मेरे डेट्स ना मेरी सेक्रेटरी उर्मिला देखती है, तो आप उनसे पूछिए, मैं सिर्फ अपने फिल्मों के डायलॉग्स याद रखता हूँ। अरे उसे भी नहीं पता ना, तभी तो तुझसे पूछ रहा हूँ, याद आएगा तो मुझे फोन करके बता। हाँ। और फोन ये सब नाटक छोड़ और जल्दी घर पे आ यार, वापस बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अरे यार मैं क्या करूँ, ये डायरेक्टर इस बार ऐसा मिला है ना कि इतना टाइम लगा रहा, मैं कुछ बता नहीं सकते तेरे को। देख अभी हीरोइन के साथ ना रोमांटिक सीन है, उसके बाद मैं तुझे फोन करता हूँ, ठीक है? बाय बाय बाय। अरे आप लोग शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज समझिए बात को। हाँ शुरू करिए, मुझे आदित्य चोपड़ा की फिल्म करने जाना है भाई। हाँ एक्शन बोलिए सर। क्या क्या बताया उसने? कुछ नहीं, नहीं पता उसे कुछ भी। हे भगवान। अरे क्या कर रही है उर्मिला, क्या कर रही है तू? इधर आओ इधर आओ बताती हूँ। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, हम उनको घुमा फिरा के क्यों पूछ रहे हैं, सीधे सीधे क्यों नहीं पूछते कि प्रेमचंद जी आपका कोई और एक लड़का है क्या? नहीं काका, अगर सीधे सीधे पूछेंगे वो लोग बात को घुमा देंगे, और अब घुमाने की बारी हमारी है। ऐसा घुमाऊंगी ना उन्हें कि खुद अपने जाल में ही फंस जाएंगे। अभी जवाब ढूंढने दो, बाद में छुपने की जगह ढूंढेंगे। अरे ये पकड़ो। ओहो नहीं उठा ध्यान से। अरे बाप रे भारी है। हाँ भारी क्या है, क्या ये? इधर लाओ इधर लाओ इधर लाओ, लाओ ना। संदूक में से और एक संदूक और एक संदूक। क्या कर रही है तू उर्मिला, बता ना। अरे बता रही हूँ भाई, रुको निकल रही तो। अरे दे दे ले लो। ये खुलता कहाँ से है? अभी इसमें से एक और निकालेगी तो। इधर लाओ मैं खुलती है। अरे एक और भी, क्या मजाक है? और इस लास्ट डब्बे में से कोई जादू निकाल कर हमको गायब कर देने वाली है। टेंटेन। ये क्या टेंटेन? क्या है ये, क्या डायरी है? अरे ये ना हमारे झूठ की पासबुक है, इसको ना मैं रोज अपडेट करती है। अपन जो रोज नया झूठ पकाते हैं ना, हाँ। वो इसमें डिपॉजिट कर देती है। हाँ? इस काली डायरी में। क्या बात कर रही है तू उर्मिला? इसका मतलब हमारे पूरे झूठ का रिकॉर्ड इस डायरी में? हाँ। इस डायरी में हमारे झूठ का पूरा रिकॉर्ड है? हाँ। क्या बात है?
यानी अब कोई भी सवाल का बाउंसर आया मैं सिक्सर मार सकता हूँ। एकदम। जल्दी से बता मेरी और मालपानी की न हुई शादी की तारीख कौन सी है? सब लिखा हुआ है। हाँ। सब लिखा हुआ है। कमाल है यार, मिला कमाल। हाँ, ये देखो 1 जून 1985। वाह वाह, अब मेरे झूठ का दिया, हमारे झूठ का दिया कोई बुझा नहीं सकता। कमाल है ना, हमेशा धोनी की तरह मैच के एंड में आकर मैच जिता देती है। मेरा आशीर्वाद है बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि मालपानी की उम्र तुझे लग जाए। अरे डैड्स ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, एकदम सिक्सर मार के आना। अरे क्या काम किया, दिखा 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 दिखा। हटा दिया हटा दिया हटा दिया, पर्दे को दिए के पास से हटा दिया। अब कोई खतरा नहीं है दिए को। हाँ बेटा, तुम कुछ पूछ रही थी मुझसे। हाँ अंकल, यही कि आपकी और माँ जी की शादी कब हुई, कुछ याद आया आपको? कोई भी इंसान अपनी शादी की तारीख को कैसे भूल सकता है? मुझे भी सुनना है, मजा आ रहा है। अच्छा, जून का महीना था, हल्की बूंदा बूंदी हो रही थी, बारिश हो रही थी। पहली जून 1985। सही जवाब। मेरा मतलब है आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, काका शर्त जीत गए, काका ने यही बताया था। अच्छा ठीक है, तो लोखंडी जी मैं चलूं? हाँ ठीक है, चलिए। नहीं नहीं बाबा, ठीक नहीं है अंकल, वो देखिए ना, आपके परिवार के बारे में हम कितना कुछ जान रहे हैं। वैसे तो हम एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन हम में से किसी को आपके परिवार के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। अब बात निकली है तो मैं आपसे कुछ और क्वेश्चंस पूछ लूं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी मैं। बैठिए ना, बैठिए। ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे लो, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। कौन सा खेल भाई? तो प्रॉब्लम है उर्मिला, हमें तो पता ही नहीं है कि कौन सा खेल खेल रहे हैं, बस खेल रहे हैं। अच्छा तो मैं ये जानना चाहती थी कि जब आपकी शादी हुई तो आप क्या काम करते थे? अरे वाह, बाउंसर सोचा था लेकिन ये तो फुल टॉस निकला। क्या हुआ अंकल, आप इतना क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं बेटा, तुमने तो मुझे मेरे संघर्ष के दिन याद दिला दिए। ऐसा संघर्ष प्रेमचंद जी? लोखंडे जी, मैं अपने पैरों पे खड़े रहने की कोशिश कर रहा था। बैठिए, बैठ के अच्छे से जवाब दीजिए। हुआ? अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जमाना था, लेकिन मेरी जिंदगी में रंग ही रंग थे। कैसे? मैं पेंटर था, पेंटिंग का काम किया करता था। अच्छा, मकान दुकान दीवारें पोस्टर्स सबको पेंट किया करता था। एक हाथ में पेंट ब्रश और दूसरे हाथ में रंगों का डब्बा। लाल पीला हरा नीला, ये सारे रंग देख लिए, लेकिन लोखंडे जी मेहनत के रंग से गाढ़ा कोई रंग नहीं होता। वाह, कितनी ऊंची बात कही आपने, वाह बहुत अच्छी। अच्छा वैसे जय का जन्म कब हुआ था? एक और फुल टॉस। कोई आदमी अपने बेटे का जन्मदिन भूल सकता है क्या बेटी? 15 मार्च 1987। अच्छा, और उर्मिला? अरे बाप रे, फिर गुगली। क्या हुआ प्रेमचंद जी, याद नहीं आ रहा है? नहीं। क्या बात कर रहे हो सुधाकर भैया,
एक पिता अपने बच्चों का जन्मदिन भूल सकता है क्या? है ना अंकल? हाँ, भूल गया। हाँ? अब रमचंद जी, आप अपने बेटे का जन्मदिन ही भूल गए? दिया, दिया भूल गया। खिड़की के पास रखा हुआ है, इतनी तेज हवा चल रही है, दिया बुझ गया तो। दिया, मेरा दिया, मेरा दिया, मेरा दिया। लगता है तेल खत्म होने आया। देखती हूँ कब तक बचाते हैं दिए को और खुद को भी। नहीं बेटी, हर बार शक करना ठीक नहीं है। तो सचमुच भूल के आए होंगे। नहीं दूंगी, आपको मेरा जन्मदिन याद नहीं है? अरे 22 जनवरी 1990। तो फिर ये डायरी क्यों देखनी थी आपको? अरे भूल गई क्या उर्मिला? क्या लोखंडे जी को तेरे बर्थडे का बहाना दिया था हमने, याद है? तो लोखंडे जी के लिए तेरा जन्मदिन असली जन्मदिन कौन सा होगा? वही जो तूने इस डायरी में लिखा है ना। अरे हाँ, तो डैड को तो वही बताना होगा ना फिर। हाँ, यही तो कह रहा था मैं कब से। अच्छा सॉरी अंकल, सॉरी। आओ बताती, देख ले जल्दी जल्दी क्या है। ये देखो, ये ओके। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आराम से। जवाब लेकर आने दो इन्हें। इन्हें पता नहीं है कि ये जितने जवाब देते जाएंगे ना, उतने ही दलदल में फंसते जाएंगे। ये अंकल से कुछ ज्यादा ही सवाल नहीं पूछ रहे ले? अरे यार, एग्जाम ले डाली अंकल की। सबसे बड़ा सवाल तो ये उर्मिला कि ये लोग हमारी फैमिली के बारे में इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हैं, वो भी अचानक। हमें लग रहा है कि सारे सही जवाब देकर हम उनसे बच रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि हम सही जवाब देकर अपने ही जाल में फंस रहे हो। डायलॉग याद है ना? ठीक से बोलना। कल हमारी रसोई में कुकर फट गया और हमारी जोरू जल गई। ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। सर मुझे सब याद है, आप सिर्फ एक्शन पे ध्यान दो। एक्शन। मेरा हेलीकॉप्टर कब तक आएगा इस कंट्री? 8:45 तक सर आपका हेलीकॉप्टर आ जाएगा। सर आप क्या लेंगे, कैपेचिनो या वेनिला लाते? ओ शो 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 शो। साहब कल हमारे रसोई में कुकर जल गया और जोरू फट गई। कट कट। कल हमारे रसोई में स्कूटर जल गया। कट। एक्शन। कल रसोई में जोरू हिल गई, स्कूटर चल गया। कट। अरे इसको निकालो, इसको निकालो कोई। अरे ये लोग अच्छा कर रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं इन लोगों को? ये हमको नहीं तुमको बोल रहे। अच्छा इसको निकालो यहाँ से। सर 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 इसको नहीं निकाल सकते सर, प्रोड्यूसर के पैसे फंसे हुए हैं। हम एक काम करते, इसका रोल बदल देते हैं। अब कौन सा रोल बदल देते हैं? सारे रोल बदल करके तो देख लिए, वहां से लेके यहाँ तक तो आ गए। अब कौन सा रोल बदल दे? सर एक रोल है डायरेक्टर का, उसमें करना क्या होता है, एक्शन और कट बोलना होता है। आप एक काम करो, आप ये नौकर का रोल कर लो, आप पे सूट 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 भी करेगा। जोकर हमको नौकर बोलता है? नहीं 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 नहीं। उर्मिला दीदी की जन्म तारीख भी सही है। है ना, है ना, है ना। और कुछ पूछना है बेटा? और कुछ जानना है? हाँ अंकल, बस सब एक बात। अच्छा, जय और उर्मिला को छोड़कर आपकी और कोई संतान तो नहीं है ना? प्रेमचंद जी सच बता देना, वरना के लिए मुश्किल हो जाएगी। ये तो लो बॉल निकला, क्या बोलूं अभी। नहीं बेटा, मेरी और कोई संतान नहीं है, सिर्फ जय और उर्मिला। और मैं हमेशा मानता हूँ कि दो बच्चे सबसे अच्छे। सुधाकर पानी? नहीं। ठीक है। हाँ तो बेटा मैं कह रहा था बच्चे दो ही अच्छे। अरे नहीं, ठीक है। क्या बात कही है प्रेमचंद जी ने, क्या बात कही है। बैठ जाइए ना, बैठ के वापस एक बार बोलेंगे। ठीक से सुना ही नहीं दिया,
वापस कहेंगे? अरे एक बार क्या, बार बार लगातार कहता रहूंगा, बोलता रहूंगा, पूरे देश को कहूंगा कि बच्चे दो ही अच्छे। और कुछ बेटा? ये आपका फाइनल आंसर है ना? आई मीन लॉक किया जाए? आप अपने परिवार के किसी सदस्य से पूछ सकते हो। ये क्या कह रहे हो बेटी? मेरे सिर्फ दो ही बच्चे हैं और मेरा मानना है कि दो बच्चे सबसे अच्छे। अच्छा अंकल, ये सवाल जवाब ना बहुत हुए। आप एक काम कीजिए, अपने परिवार को बाहर बुला लीजिए, एक सरप्राइज देना है आपको। सरप्राइज? ऐसा सरप्राइज है कि शौक से पैरों तले जमीन फिसल जाएगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.